छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भूपेश सरकार के कर्ज पर कर्ज लेने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने ढाई साल में लगभग 40,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। सरकार को कर्ज का ब्याज पटाने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रदेश में विकास कार्य ठप है और लगातार पिछड़ता जा रहा है। आगे उन्होंने धर्मांतरण के मामले में भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए संरक्षण का आरोप लगाया और कहा जो धर्मांतरण कराते हैं उन्हें थाने में बैठाकर चाय पिलाया जाता है और जो उनके विरोध में बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले बनाए जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्ज में लगातार डूबते जा रही है। ढाई साल के कार्यकाल में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है। इस सरकार को कर्ज का ब्याज पटाने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है और लगभग 10,000 करोड़ अब तो इनको केवल उसमें कर्ज के ब्याज के लिए इनको लेने की आवश्यकता पड़ेगी और विकास के पूरे प्रदेश में शून्य हो गए हैं। पूरे विकास कार्य ठप हैं, प्रदेश लगातार पिछड़ते जा रहा है, ये प्रदेश कर्जा में डूबने वाली है और अंततः इसको बचाने वाला कोई नहीं है। ये लगातार कर्ज में डुबोएगी और उसके बाद केवल झूठी वाहवाही लूट रही है। धर्मांतरण के मामले में सरकार के संरक्षण में यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं थाने में बैठ करके उनको चाय पिलाया जाता है और वो बड़े रुतबे के साथ में बोल रहे हैं कि हाँ हमको अधिकार है, हम धर्मांतरण कराएंगे। जो धर्मांतरण के विरोध में बात कर रहे हैं उनके खिलाफ में आपराधिक मामला बनाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है।